Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear student, today is the lecture of the class 10th. Last time we studied the article Total Internal Reflection. Today we will study number of applications of the total internal reflection in our daily life. ये बहुत कमाल के applications हैं, उम्मीद है आप इसको और से सुनेंगे. एक दो बुक्स में हैं, एक दो मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन करूंगा. व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, पेरिस्कोप एंड देन फाइबर ऑप्टिक्स एंड देन नंबर ऑफ देम. दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल एग्जांपल एप्लीकेशन. आई विल टेल यू, वी विल रिकॉल आवर सेल्फ towards the article total internal reflection. We will wind it up or revise it within 5 minutes. What it was total internal reflection. याद रखिए, ये दो मीडिया थे, एक डेंसर हमने वाटर ले लिया था, एक रेयरर एयर लिया था, एक लाइट सोर्स था. ये रे ऑफ लाइट आई और ये इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस. और हमने पढ़ा था जब डेंसर से रेयरर में जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्म, अवे फ्रॉम द नॉर्म. तो आर वन विल बी ग्रेटर देन आई वन. और फिर मैंने आपको बताया था कि जब ये रे इस तरह इंसिडेंट होगी तो ये I2 will be greater than I1. और आपको कहा था सोचे क्यों. And now she will bend more and R2 will be greater than I2. And now there will come an angle of incidence. This is I3 such that the refracted ray move along this and the angle of refraction is 90. So in this case, the ray will travel along the surface separating the two media. This angle of incidence, for which the angle of refraction is 90, is known as critical angle. Critical angle. और फिर जब भी angle of incidence critical angle से बढ़ेगा, यानी ray जब यहाँ जाएगी, what will happen? ये I not कहा था. The total internal reflection, क्योंकि ray is bending. अब इससे ज्यादा जब bend होगी तो basically refraction नहीं होगी, reflection होगी. ये R not और ये total internal reflection है. ये I not और R not बराबर होंगे और यहां से लेकर आगे तमाम total internal reflections ही होंगी. तो total internal reflection के लिए दो condition बताई थी. Number one के the ray of light must move from a denser to a rarer and the angle of incidence must be greater than the critical angle. And now we will apply the applications of the total internal reflection. ये totally reflecting prism है. Prism is made up of glass and ये totally reflecting prism में ये दो sides equal और हमने इसको इस तरह place किया हुआ. You can place it at any orientation, but we have placed this like this. ये एक object है, ये भी इससे दो rays निकल रही हैं, निकल तो infinite रही होंगी, लेकिन we have shown only these two. तो अगर आप इस ray को देखें और इस ray को देखें, दोनों का phenomena same है reflection का, लेकिन we will concentrate on one of them. ये ray, अच्छा इसमें एक बात रह गई थी जो पिछले दिनों मैंने नहीं पढ़ाई थी कि एक ray जो यहाँ से निकल के सीधी जाएगी. जब सीधी जाएगी तो इफ आई कॉल आस्क यू व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, नेवर से 90. एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान में एंगल है. तो नॉर्मल इस तरह, इंसिडेंट रे इस तरह, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जीरो. इस केस में रे सीधी चली जाएगी और ये देखें जो ही हम राइट पे मूव करेंगे ये जीरो नहीं होगा, बढ़ेगा. इसका मतलब है राइट पे जाते वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता चला जाता है. राइट पर जाते वक्त ये जीरो है, इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल होगा,
इसका मतलब ये है कि जो जो हम राइट पे जाएंगे, कॉमन सेंस है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा। ये भी एक आपको जवाब दे दिया मैंने। जब जीरो होगा तो आर विल बी जीरो। सो इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्शन के लिए आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। जीरो पे सीधी चली जाएगी, आर जीरो होगा, इट विल मूव स्टेट अप। यहां देखिए ये एयर है, ये ग्लास है, ये ग्लास है, पूरा ग्लास प्रिज्म है और ये एयर है। एंड नाउ ये रे एयर से ट्रेवल कर रही है और ग्लास में एंटर हो रही है। रेयरर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस रे का, ये देखिए ये रे, इस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा कि अगर हम नॉर्मल यहां ड्रॉ करें तो आई विल बी जीरो। प्लीज, ये रे इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है लेकिन ये रे इस सरफेस पे जो नॉर्मल है उसके अलोंग है, तो आई विल बी जीरो। और जब भी आई जीरो होगा, आर जीरो होगा। लुक एट दिस, सीधी चली जाएगी। लुक एट दिस, यहां आर जीरो आ जाएगा। ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे, आर विल बी जीरो। और जब जीरो होगा तो लुक एट दिस, इस रे और इस सरफेस के दरमियान में एंगल 90 बनेगा। एक बात और ख्याल रखें कि जो टोटली रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म है, इसकी ये दो साइड बराबर, तो ये दो एंगल 45 के होंगे। मैथमेटिक्स सेज इफ द टू साइड्स आर कांग्रुएंट द एंगल्स आर कांग्रुएंट, तो ये दो एंगल 45 के होंगे और तीन एंगल का सम 180 होता है, तो ये एंगल 90 का होना चाहिए। दैट्स ऑल। ये एंगल आई जीरो आर जीरो, लेकिन इस सरफेस और रे के दरमियान में एंगल कितना होगा, 90। और ये 90 है और ये 45 है, तो ये एंगल कितना होगा, डेफिनेटली 45। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, जरा समझे समझने की कोशिश करें। एयर से जब ग्लास में आएगी तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, लेकिन अब ग्लास से निकल के एयर में जाना है तो ये इंसिडेंट रे होगी। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। इंसिडेंट रे और जिस सरफेस पे पड़ रही है उस पर नॉर्मल के दरमियान में एंगल, ये कौन सी रे है, यहां से यहां तक के लिए रिफ्रैक्टेड है लेकिन यहां से आगे के लिए इंसिडेंट है। ये रे यहां पर जाकर टकराएगी, इस एंगल का नाम 45 होगा, पक्की बात है, क्योंकि ये 45, ये 90, ये 45। अब इस सरफेस पे नॉर्मल, लुक एट द डॉटेड लाइन, ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन। अगर ये नॉर्मल है, अगर ये एक सरफेस है, इसके ऊपर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो चारों एंगल 90 के होने चाहिए, कॉमन सेंस। तो ये चारों एंगल, एक दो तीन चार, चारों एंगल 90 के होंगे, हमें इससे गलत नहीं है। ये देखिए ये एंगल पूरा कितने का है, ये पूरा एंगल 90 का नॉर्मल है, ये एंगल कितने का है, 45, तो ये एंगल कितने का होगा, 45। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, तो प्लीज बिलीव ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 45। मैथमेटिक्स, क्या ये रे रिफ्रैक्ट होगी, द आंसर इज दैट कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए, नो रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। क्रिटिकल एंगल, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास, ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 है, यू कैन चेक इट आउट। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, इसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज एक्सीडेड द क्रिटिकल एंगल। फिर बता रहा हूं, ये रे आई, यहां से रिफ्रैक्ट हुई, अब ये रिफ्रैक्टेड रे नहीं है क्योंकि ये रे यहां पर जाएगी तो इंसिडेंट रे है, और इसने 45 का एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, और 45 का एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लास का एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल 42 है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज एक्सीडेड द क्रिटिकल एंगल। एंड व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए तो फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 45 पे आई
और 45 पे रिफ्लेक्ट होगी। 45 पे रिफ्लेक्ट होगी तो ये देखिए फिर मैथमेटिक्स, ये नॉर्मल है तो ये एंगल पूरा 90 है और ये भी पूरा 90 है, इसमें से हमने 45 ले लिया तो यहां क्या बचा, यहां 45, तो यहां पर 45 है और यहां पर 45 है तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि इस ट्राइंगल में टोटल एंगल 180 है तो ये 45 45 90, तो ये एंगल क्या होगा 90 90। का मतलब ये है कि ये रे जब इसके ऊपर रिफ्लेक्शन के बाद इंसिडेंट होगी तो 90 के एंगल पे होगी सरफेस पे। ये ग्लास है, अब ग्लास से बाहर आने एयर में क्या बाहर आएगी, ये देखिए इसके ऊपर अगर नॉर्मल ड्रा करें, ये नॉर्मल है तो एंगल आई कितना होगा, अगेन जीरो। भाई आई जो है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान में, ये रे इस सरफेस के परपेंडिकुलर है लेकिन ये रे इस सरफेस के नॉर्मल के अलोंग है तो आई जीरो होगा, और जब आई जीरो होगा देन आर विल बी जीरो, तो फिर आर को जीरो होना चाहिए, ये रे सीधी निकल आएगी। So it will go there and bend like this at an angle of 90 bend हो जाएगी और ये ray भी बिल्कुल इस तरह होगा और इस point का image यहां बना और इस point का image यहां बना और इस object का image ये a dash b dash बना। This is one of the application of the total internal reflection। इसी prism को हम यहां पर periscope में इस्तेमाल करेंगे। ये periscope कहां इस्तेमाल होती है, ये आप दोस्तों में समंदर के नीचे आपने देखा होगा थोड़ा सा उसका हेड बाहर निकला हुआ है, राइट? ये अगर पानी है सारा, ये सब पानी में है तो ये बाहर निकला हुआ है। अब यहां से ये देखिए, ये खुशकी में कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसकी ये लाइट आएगी, पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी, ये डुअल प्रिज्म है, डबल है, तो ये जो शख्स पानी में नीचे आप दोस्त में बैठा हुआ है, सब मैरिन में अंदर शिप के अंदर बैठा हुआ है, ही कैन सी, यहां पर कोई जहाज है, कोई भी चीज है, वो इसको देख सकता है, कैन हिट दैट ऑब्जेक्ट। जंगों में ये इस्तेमाल होती है या इन्वेस्टिगेट जासूसी आलात के तौर पर। सो पेरिस्कोप, प्रिज्म, पेरिस्कोप में डबल प्रिज्म है, लुक एट दिस, ये एंगल 90 का है पूरा, ये एंगल 90 का हुआ, वही प्रोसेस, और यहां पर पड़ी तो 90 का एंगल। ये आप सबमरीन में बैठ के देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट पानी की सर्फेस पे है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ये कोई इतनी टोटल रिफ्रेक्टिंग प्रिज्म इज द एक्चुअल एप्लीकेशन, दिस इज वन ऑफ दिस। ये फाइबर ऑप्टिक्स ये बहुत बारीक तार है, बहुत बारीक, जिसको मैंने बहुत मैग्निफाई करके आपकी किताब में भी दिखाया है। फाइबर ऑप्टिक्स आजकल जदीद कम्युनिकेशन में खासतौर पर नेटवर्क्स, टेलीफोन्स, इंटरनेट्स फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू ट्रेवल करते हैं। मैं आपको यह तो नहीं बता सकता कि मेरी आवाज फाइबर ऑप्टिक्स से गुजर के दोबारा मेरी उसी आवाज में कैसे कन्वर्ट होती है, यह आप हायर लेवल पे देखेंगे, लेकिन यह जान लीजिए कि साउंड को पहले लाइट में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उस लाइट को ट्रेवल करवाया जाता है और दोबारा उसको डीकोड और कोड करके साउंड में दोबारा ट्रांसमिट किया जाता है। लेकिन ये याद रखिए, ये लाइट कैरी करने के लिए, ये लाइट कैरी करने के लिए किस तरह है कि ये एक बहुत ग्लास की या प्लास्टिक की, डेफिनेटली ग्लास इज वेरी हाई प्राइस एंड प्लास्टिक आर चीप्स, तो ये ग्लास की कोटिंग, वो दो एक लेयर्स हैं, एक इंटरनल लेयर को कोर कहा जाता है, इंटरनल, ये जो इंटरनल जो बीच में है उसको कोर कहा जाता है, और जो बाहर लेयर है उसकी, बाहर लेयर ये देखें, ये कोर है और ये जो बाहर लेयर है ये क्लैडिंग है, ये दो ग्लास की लेयर है, आई कैन ओनली शो यू, ये कोर है और ये क्लैडिंग है, दोनों अगर ग्लास की है ये क्लैडिंग है, गोल है और ये अंदर कोर है। कोर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ये हायर है और क्लैडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का मतलब है हाउ डेंसर द मीडियम इज, जितना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतना मीडियम डेंसर होगा। जैसे पानी
एयर के मुकाबले में डेंसर है, तो पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा होना चाहिए। ये इसका कोर का अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इट मींस दैट इट इज अ डेंसर मीडियम। और क्लैडिंग का जो बाहर हुई है कोटिंग, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये देखिए ये बुक से लिया गया ये फिगर 1.53 रिलेटिव 1.39, बहुत कम डिफरेंस, क्योंकि कम डिफरेंस इसलिए लिया जाता है ताकि बेंडिंग कम हो। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए तो बेंडिंग ज्यादा होगी, जैसे पानी और एयर बेंडिंग ज्यादा होगी, अब यहां पर बेंडिंग कम होगी। एयर से, इससे वेरी सिंपल, एयर से जब ग्लास में कोर में दाखिल होगी तो याद रखें रेयरर से डेंसर में जाएगी, तो रेयरर से डेंसर में जब जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होती है, लेकिन हम यहां पर इतने इंटरेस्टेड नहीं है, एक दफा बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगी। और उसके बाद ये देखें, कोर इज डेंसर मीडियम, क्लैडिंग इज कंपैरेटिवली रेयरर, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन रेयरर है, तो जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये जाएगी नहीं, क्यों? क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट ऐसी की जाती है कि जब ये रे आए तो ये इसके ऊपर जब इंसिडेंट हो तो यहां पर जब नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, और जब ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी, रिफ्लेक्शन होगी, तो शी विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। अब आगे जाके भी फिर वही फिनोमेना होगा, तो इसका मतलब है द लाइट विल ट्रेवल लाइक दिस एंड वेरी क्विक, क्योंकि इसी कोर के अंदर से जा रही है, और एयर में ट्रेवल में रेजिस्टेंसेस हैं, साउंड ट्रेवल एंड एग्जॉस्ट, तो यहां पर रेजिस्टेंसेस कम से कम, एंड इट विल ट्रेवल थ्रू दिस थ्रू द फिनोमेना ऑफ, सो दिस इज फाइबर ऑप्टिक्स, दिस इज टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, एंड असल में टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इज दिस। And now, one of the most important, गर्मियों में जब आप when you travel along the roads, what you see, गर्मियों में when the temperature is high, आपको ऐसा नजर आता है जैसे रोड पे पानी है, लेकिन आप एक खास स्पॉट को देखें, जब आपको पानी नजर आएगा उस स्पॉट पे, जब आप थोड़ा सा करीब होंगे वो स्पॉट गायब होगा, कहीं और पानी होगा, इसका मतलब एक सर्टन पोजिशन पे आपको पानी नजर आता है, एंड वेन यू मूव अराउंड वहां से पानी नहीं होता, किसी और जगह पे होता है। व्हाई इज दिस, ये आपकी बुक में पता नहीं है कि नहीं है, ये फिनोमेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ही मरहूने मिन्नत है। एक और मिसाल ले लेते हैं, रोड पे पानी का नजर आना, या सहरा में किसी जगह पे आपने कहानियां सुनी होंगी, द मैन इज ट्रेवलिंग और उसको वो खजूर का दरख्त नजर आया, तो उसे लगा ये पानी में उसका अक्स नजर आ रहा है और वो उस तरफ भागा, एंड व्हेन ही रीच्ड नियर देयर वाज नथिंग। बिल्कुल दोनों एक ही मिसाल है, रोड या डेजर्ट्स, ये जो डेजर्ट की मिसाल है या रोड की मिसाल है, फिजिक्स में इसको मिरेज कहते हैं, डेजर्ट के लिए ज्यादा, और मिरेज का जो उर्दू तर्जुमा है वो शराब है, शराब का मतलब है एन ऑप्टिकल इल्यूजन, जो आप एक्चुअली ना एग्जिस्ट करे लेकिन आपको नजर आए, ऑप्टिकल इल्यूजन। ये क्या है, देखिए ये सैंड है, गो टू द डेजर्ट, ये सैंड है, और ये सैंड से ऊपर ये सारी सैंड है, Look at this. This is sand. और sand से ऊपर ये जो मैंने different portions बनाए हैं, ये air के मैंने columns बना दिए, columns या rows या पट्टी जो भी है, air. वैसे बहुत बारीक है लेकिन मैंने आपकी visibility के लिए इनको बड़ा कर दिया। Common sense ये है कि अगर ये sand है तो इससे ये जो one वाली layer है ये two के मुकाबले में ज्यादा hot होगी, बिकॉज सैंड से टच कर दी है, नियर है, वन लेयर टू के मुकाबले में ज्यादा हॉट है, तो ये और ये जब इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये रेयरर है और ये डेंसर है। फिर देख लें, सॉरी सॉरी
सॉरी, ये रेयरर है, ये डेंसर है। फिर देखिए, ये अगर दो लेयर है एयर की सैंड से ऊपर, तो ये ज्यादा गर्म होगी और ये कम गर्म होगी। तो ये रेयरर होगी, हल्की होगी, और ये डेंसर होगी, भारी होगी। एंड नाउ अगर मैं टू और थ्री को दोबारा ले लूं, तो टू और थ्री में टू रेयरर होगी निस्बतन थ्री के। इसका मतलब यह हुआ, और अगर थ्री और फोर ले लूं, तो ये हल्की है रेयरर, कम गर्म है, ज्यादा गर्म है, और ये भारी है, कम गर्म है। दैट्स ऑल। इसका मतलब यह है कि जो जो हम ऊपर आ रहे हैं सैंड से ऊपर, ऊपर वाला डेंसर है, नीचे वाला रेयर। दैट्स ऑल। दो दो की बात करो, डेंसर, लेस डेंसर, लेस डेंसर, लेस डेंसर, या रेयरर एंड सो ऑन, लेस रेयरर। यहां हमारा कई सूरज है, द सन इन द डेजर्ट्स, आपको पता है कितना गर्मी होती है। तो इसका मतलब है सूरज की रोशनी ऊपर से नीचे आएगी, और ऊपर वाले में अगर मैं ये पांच कह दूं और ये चार कह दूं, पांच, ये पांचवा है और ये चौथा है, बाई मिलियंस ऑफ रेयर आई कैन ओनली टच वन ऑफ सम ऑफ देम। ये पांचवा और चौथा है, तो पांचवा डेंसर होगा, ये रेयरर होगा। देखें, यही चौथा तीसरे के मुकाबले में डेंसर है, लेकिन यही चौथा पांचवे के मुकाबले में रेयरर है। इसका मतलब है सन रेस जब ऊपर से नीचे आएंगी, तो किसी एक लेयर से जब दूसरे में दाखिल होंगी, वेरी इंपॉर्टेंट, इस लेयर से इसमें दाखिल होंगी, तो डेंसर से रेयरर, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस। वो अलग बात है, क्रिटिकल एंगल अलग से कंडीशन भी है, सिर्फ ये कंडीशन नहीं है। एंड नाउ ये पांचवें से जब चौथे में आया, ये रे अगर आ रही है सूरज की श्वा, देन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो अब आप देखें डेंसर से रेयरर में आएगी, तो व्हाट विल हैपन, द रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से, ये उसका ओरिजिनल पाथ ये था, और ये अवे हो गई। दिस इज आर लॉ, आर वन इज ग्रेटर देन आई वन। अब ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं रही, अब ये इन दोनों के लिए रिफ्लेक्टेड थी, अब ये यहां से यहां इस रेयर में आ रही है, चौथे से तीसरे में। अब चौथा और तीसरे में, चौथा डेंसर है तीसरे के मुकाबले में, तो दोबारा अगेन बेंड अवे, बेंड अवे, तो ये रे यूं आई, यूं हुई, फिर यूं हुई, एंड देन यू। मैंने कितनी लेयर्स ली सर? चार, पांच, छह। इमेजिन इफ यू टेक वेरी माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द लेयर्स, वेरी माइक्रोस्कोपिक, तो फिर आपको रे यू 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 होती हुई नजर नहीं आएगी। इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी, ये बेंड होती हुई। अगर मैं इनको मिलियंस ऑफ लेयर में कर लूं, तो ये देखें एक स्टेज ऐसी आई, ये हवा की बात कर रहा हूं, सैंड की बात नहीं कर रहा, आई एम सॉरी टू से, सैंड को नीचे ले जाना पड़ेगा, ये हवा है। अभी हवा के अंदर ही एक लेयर ऐसी आएगी कि जब जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से एक्सीड कर देगा। मुझे नहीं पता वो लेयर कहां पर है, मुझे नहीं पता, ये जस्ट एक ड्रॉइंग है, ये कहीं भी हवा में, और जब ये क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाएगा, द रे विल नो लॉन्गर सफर रिफ्रैक्शन, बट इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। और जब रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो फिर आप देख लें कि डेंसर से रेयर या रेयर से डेंसर हो, वो रिफ्लेक्शन से वो रिफ्लेक्ट होती हुई निकलेगी। और ये यहां पर जो शख्स मूव कर रहा होगा डेजर्ट में, उसके उसको यहां पर नजर पड़ेगी। अब अगर आप देखें, यहां एक दरख्त है, मैंने पहले दरख्त इसलिए नहीं बनाया, यहां अगर एक दरख्त है, तो उसकी शक्ल उसकी जब आंख में घुसेगी, तो यहां पर एक दरख्त लेटा हुआ नजर आएगा यहां पर, और उसको नजर ऐसा आएगा जैसे सहरा में ये कहीं पानी है, और उस पानी के अंदर इस दरख्त की रिफ्लेक्शन नजर आ रही है,
एक्चुअली वो पानी नहीं होता, वो हवा के अंदर रेज आती है, टोटली रिफ्लेक्ट बैक होती है और उस शख्स की आंख में आके ये बताती है कि दिस इज द इमेज, ये हवा में बन रहा है, बिकॉज इट इज ए मिरेज, शराब है और कुछ भी नहीं है। यही फिनोमेना रोड्स पे भी है, आपको गाड़ी में से ऐसा महसूस होता है जब आप करीब पहुंचते हैं वो पानी गायब होता है। ये दरख्त नहीं है, इसी तरह ये कहानियों में हमने बचपन में पढ़ा था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाई द डायमंड शाइन्स, ये डायमंड्स, व्हाई द डायमंड शाइन्स, एक बात तो ये है कि डायमंड को सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि डायमंड इतना ज्यादा शाइन क्यों करता है, इसीलिए वो प्रेशियस भी है और भी केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी ऐसी हैं। मैं सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं फिजिक्स के लिहाज से, कितना मजबूत है कितना हार्ड है वो एक अलग ही बात है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड्स को तराशा ऐसे जाता है कि जब एक रे ऑफ लाइट बाहर से डायमंड में दाखिल हो तो ये ना हो इंसिडेंट हो, रिफ्रैक्ट हो और फिर दोबारा रिफ्रैक्ट होकर निकल जाए। वो ऐसा तराशा जाता है कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बार 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 रिपीट हो और उस डायमंड के अंदर ही वो लाइट रहे और ग्लो करते रहे। सो इट इज कार्व्ड इन ए डिजाइन इन ऑर्डर टू, और डेफिनेटली वो लाइट जो इंसिडेंट होगी, जो लाइट इंसिडेंट होगी जब अंदर दाखिल होगी तो अगली ग्लास की सरफेस पे पड़ेगी, क्योंकि ग्लास को अंदर ग्लास ही है पूरा मटेरियल, ये ग्लास है अंदर, जब उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल होगा तो वो बाहर नहीं निकलेगी, अंदर आएगी। फिर अंदर ये इस तरह की सरफेस नहीं होगी कि बाहर निकल जाए, अंदर कुछ और तरीके से कटिंग है, फिर रिफ्लेक्ट फिर रिफ्लेक्ट फिर रिफ्लेक्ट फिर रिफ्लेक्ट, एंड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पीरियोडिकली टेक्स प्लेस बिकॉज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। So, आपको शाइन करता हुआ नजर आता है। बाकी डायमंड्स की प्रॉपर्टीज अलग है। व्हाई द डायमंड शाइन्स इज बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो आई हैव शोन टू ऑल ऑफ यू व्हाट आर द एप्लीकेशंस, और ये ज्यादा मजे की है निस्बतन ओनली द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप कि आपका फीडबैक जो कि नहीं आ रहा आता रहेगा और आप मुझसे क्वेश्चन करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।